आखिर क्या हुआ प्रेमानंद जी महाराज को, जो आधी रात में होना पड़ा अस्पताल में भर्ती। बाबा जी के लाखों भक्तों की सांसें अटकी। अचानक बाबा के भक्त क्यों करने लगे राधा रानी से दुआ, कहने लगे कि बचा लो हमारे भगवान को। बाबा रामदेव से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक हो गए परेशान। खुद बड़े बड़े मंत्रियों ने घुमा दिया टेलीफोन। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिए राधे राधे, ताकि हमारे महाराज जी को मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिल सके। प्रेमानंद जी महाराज के हॉस्पिटल में भर्ती होने के पीछे की कहानी 99% लोगों को पता नहीं होगी। प्रेमानंद जी महाराज ने महज 4 दिन पहले ही मनाया था अपना जन्मदिन। हजारों भक्तों ने जन्मदिन मनाने के लिए किया था प्रेरित। फिर ऐसा क्या हुआ कि जन्मदिन के चंद घंटे के भीतर ही प्रेमानंद जी महाराज को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा? जी सही सुना आपने, प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है, क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। प्रेमानंद जी महाराज को किडनी से संबंधित बहुत भयंकर बीमारी थी, जिसके चलते युवावस्था में ही उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। जहां कोई आम शख्स बिना किडनी के 1 साल जिंदा नहीं रह पाता, वहीं पिछले 18-19 सालों से प्रेमानंद जी महाराज अपना हर काम बहुत आसानी से करते हैं। सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं और वृंदावन की परिक्रमा लगाने के साथ ही स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर महाराज जी को कौन सी गंभीर बीमारी थी कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दरअसल महाराज जी को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज था। एक्सपर्ट की माने तो ये बीमारी जेनेटिक होती है। ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर कर आती है। ये बीमारी किडनी की गंभीर बीमारियों में से एक होती है। ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है। इससे सिस्ट यानी पानी और गांठें बन जाती हैं। गांठें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके किडनी काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाती है। किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसी हालात में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रखना पड़ता है। लेकिन अब सवाल था कि कहीं बाबा जी की किडनी फेल तो नहीं हो गई। खबर मिल रही है कि 12 अप्रैल की शाम सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनके शिष्यों ने उन्हें फौरन रामकृष्ण मिशन अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने संत प्रेमानंद जी महाराज की जांच की और शाम करीब 7:10 पर संत प्रेमानंद जी के अनुयायी उन्हें लेकर रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे थे। प्रेमानंद जी महाराज को उनके शिष्य लेकर पहुंचे तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि अस्पताल ने आधी रात को महाराज जी के भक्तों को खुशखबरी भी सुना दी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो सकुशल हैं। जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद शिष्य और उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली, वरना अस्पताल के बाहर भी लोग इकट्ठा होने लगे थे। इतना सुनने के बाद तो जैसे वृंदावन में देर रात दिवाली मनाई जाने लगी, वैसे संत प्रेमानंद जी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और समय समय पर उनकी डायलिसिस भी होती रहती है। इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी वो रात के 2 बजे अपने घर श्री कृष्ण शरणम से पैदल ही रमन रेती स्थित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए सड़क पर हजारों श्रद्धालु महाराज के एक दर्शन को मरते हैं। अभी 5 दिन पहले 8 अप्रैल को महाराज जी का जन्मदिन था। उस दिन उनके दर्शन पाने के लिए देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे थे। महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए लाखों की संख्या में भक्त ने पूरे रास्ते को फूल और गुब्बारों से सजाया था। इसके अलावा भक्त ढोल और नगाड़ों के साथ महाराज जी के जन्मदिन पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। महाराज जी का जन्मदिन 8 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 अप्रैल को ही कानपुर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अब महाराज जी वृंदावन में रहते हैं।